इन कच्ची सड़कों से, उबड़ खाबड़ पगडंडियों से गुजरने के बाद आता है ये घर। कभी इस घर में राजनेताओं का जमावड़ा रहता था, लेकिन आज यहाँ कुछ जिंदगियां अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की सरकार से मांग कर रही है। दरअसल पूर्णिया के मधुबनी स्थित अमला टोला बड़ी ठाकुरबाड़ी में अवस्थित ये घर है स्वतंत्रता सेनानी, 4 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रहे राम नारायण मंडल का। लेकिन अब उनका परिवार यहाँ रहता है। स्वतंत्रता सेनानी का ये परिवार दूध बेचने को मजबूर है, क्योंकि यही उनके जीवन यापन का जरिया है। राम नारायण मंडल के पोते संजीव बताते हैं कि कैसे उनके दादा ने देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और आज उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं। संजीव का दर्द उनकी आंखों से छलक उठा। छोटा भाई है, दूध का कारोबार करके हम लोग मिलजुल कर बकरी, एक घर का स्थिति देख लीजिए, इसमें दादाजी रहा करते थे, आज वो खंडर में तब्दील हो गया है। और हम लोग को, हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। आप सरकारी स्कूल में उस बच्चे को मैंने पढ़ा रहा हूँ। और आज एक मामूली सा मुखिया भी अगर बन जाता है, आज महल ठोक लेता है। उनके बच्चे दार्जिलिंग और दिल्ली मुंबई में पढ़ते हैं, लेकिन आज विधानसभा के अध्यक्ष के परिवार के बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए तो पढ़ाई तो आधी नहीं छूट गई, तो इसलिए गाय का ही कारोबार मुझे करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि पहले तो घर देखना, पहले पेट देखना, उसके बाद ही कुछ देखना। और ऐसा कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला मुझे कि मैं कुछ आगे बढ़ सकूँ, तो पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी थी। और अब कितना मुश्किल होता है घर चलाना, हम देखे गाय का दूध दुह के गुजारा करना। अब तो जो है सर यही है, इसी से खाते पीते हैं, आगे भी अगर कोई नहीं कुछ करेगा तो यही देखेगी। महज 3 गायों के भरोसे किसी तरह इस परिवार का गुजारा हो रहा है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरी का वादा तो किया था, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया गया। परिवार को आज भी मदद का इंतजार है। वहीं समाज सेवी और साहित्यकार भोलानाथ आलोक का कहना है कि राम नारायण मंडल का घर खंडहर बन चुका है। जो जमीन है उस पर भी कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन आज तक इस परिवार की मदद किसी ने नहीं की। और किसकी बात करते हैं आप, स्वतंत्रता सेनानी की? राम नारायण मंडल, आदरणीय राम नारायण मंडल स्वतंत्रता सेनानी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, चले जाइए मधुबनी तरफ, आज उनका परिवार जो है दूध बेच करके खाता है, कोई देखने के लिए नहीं जाता है। वही स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की बदहाली पर लोगों का दर्द और गुस्सा एक साथ फूट रहा है। 10 को अभी निकट जो समय 5-10 जो गुजरा, उसमें लगता है सरकार भुला गई कि स्वतंत्रता सेनानी भी कुछ थे जो देश के लिए कुछ उन्होंने किया। स्वराज संग्राम में, स्वराज समर में बलिवेदी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की आज जो बदहाली है, उसके लिए समाज तो कम लेकिन सरकार ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। फिलहाल राम नारायण मंडल का परिवार सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार से मदद की आस लगाए हुए है। ईटीवी भारत के लिए पूर्णिया से आकाश की रिपोर्ट।